गुरु रेमडी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल की वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज का विषय गोंद का तीरा। गोंद का तीरा एक कांटेदार झाड़ी है जो आकार में ज़्यादा नहीं बड़ी होती है। इस पौधे से गोंद प्राप्त की जाती है जिसे हम और आप गोंद का तीरा के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला इसका फ़ायदा है मूत्र असंतुलन के लिए गोंद का तीरे का फ़ायदा। दूसरा हमारा इसका फ़ायदा है ये कब्ज के लिए फ़ायदेमंद है, कब्ज के लिए। हमारा तीसरा इसका फ़ायदा है गर्भवती महिला के लिए गोंद का तीरा के बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है गोंद का तीरा के फ़ायदे स्तन बढ़ाने में भी आते हैं। इसका अगला फ़ायदा है गोंद का तीरा के लाभ पुरुषों में भी पाए जाते हैं। पुरुषों की जैसे ताकत कमजोर जाती है तो ताकत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका अगला फ़ायदा है गर्मी से बचने में गोंद का तीरा खाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका अगला फ़ायदा है त्वचा के लिए गोंद का तीरा के लाभ बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका उपयोग जले हुए अंग की ड्रेसिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए गोंद का तीरा का एक पेस्ट बन जाता है जो जलन के इलाज में मदद करता है। गोंद का तीरा में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगला, गोंद का तीरा में ट्यूर को ख़त्म करने वाले गुण भी होते हैं। अगला पॉइंट, यह आमतौर पर खांसी और दस्त के इलाज के लिए हर्बल आयुर्वेदिक दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला, गोंद का तीरा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी सहायक होती है। अगला, इसका उपयोग मुंह के अल्सर के इलाज के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगला, ठंड के मौसम में इस गोंद का सेवन करने से हमारा शरीर गर्म होता है। अगला, यह दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में मदद करता है। बस इसे रात में भिगा दें और सुबह इसे पानी सहित पी सकते हैं और दूध के साथ भी पी सकते हैं। अगर आपको नींद कम आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती तो रात को सोते समय गर्म दूध में गोंद का तीरा मिलाकर पिएं। ऐसा करने से नींद भी बेहतर आती है और आप रिलैक्स भी महसूस करते हैं। आपको बता दें कि दूध में गोंद का तीरा मिलाकर पीने से तनाव भी दूर रहता है। यह तनाव दूर करने का यह बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसके अलावा हल्के गुनगुने दूध में गोंद का तीरा मिलाकर पीने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है और सुकाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और वहीं यदि आप रोज़ाना दूध के साथ गोंद का तीरा मिलाकर पियेंगे तो यह आपके शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए लाभकारी होगा। ये दोनों प्रकार की क्षमताओं में इजाफा करने में सहायक होता है। इससे थकान दूर होती है। इसके अलावा गोंद का तीरे में प्रोटीन फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में मौजूद खून को गाढ़ा करने में मदद करती है। साथ ही यह शरीर में ही हो रही खून की कमी को भी दूर करती है। वहीं अगर आप गोंद का तीरा के साथ मेहंदी के फूल को पीसकर दूध में मिलाकर पी लेंगे तो इससे आपकी सिर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप दूध में गोंद का तीरा मिलाकर पियेंगे तो आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक अच्छा उपाय है। इससे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने हर जगह, क्योंकि हमारा भारत जहाँ भी आप रहते हो पूरी दुनिया में आप स्वस्थ रहें तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी कुछ समस्या हो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।